टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में अयोध्या मामले को लेकर आज हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर नजर आए। दरअसल आज बुलंदशहर जिला पंचायत हाल में मेरठ रेंज की कमिश्नर अनीता मेश्राम और आईजी आलोक सिंह ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के मुअज्जिज लोगों के साथ बैठक की और सभी से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की। कमिश्नर ने कहा कि हर समाज में मुअज्जिज लोगों की जिम्मेदारी अधिक होती है। मुअज्जिज लोग युवा पीढ़ी को समझाएं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत के लिए प्रेरित करें। इसमें जैसा आप अवगत हैं कि अयोध्या प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निकट भविष्य में अपेक्षित है और इसके क्रम में प्रशासन द्वारा जो भी व्यवस्थाएं अपेक्षित हैं सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य तौर पर जैसे इसमें सभी जनपदों में जो पीस कमेटीज़ की बैठक है, संभ्रांत नागरिक हैं सभी समुदायों के, उनके साथ निरंतर बैठकें की जा रही है डीएम स्तर पर, एसडीएम स्तर पर, सीओ स्तर पर और नीचे स्तर पर भी। उसके अलावा जो पुलिस डिप्लॉयमेंट कह लीजिए, कंट्रोल रूम कह लीजिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस उनकी सुरक्षा की बात कह लीजिए, ये सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त मंडल में की गई हैं इसमें। और इसमें विशेष रूप से जो आम नागरिक हैं, जो सभी समुदायों के लोग हैं, उन पर हम लोगों के द्वारा विशेष रूप से अपील की जा रही है कि जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अगर आदेश आता है तो उस दिन कोई उत्तेजना ना दिखाएं, कोई एक्साइटमेंट ना दिखाएं। सभी जनपदों में धारा 144 भी लगी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करें, उसको ग्रहण करें और पब्लिकली कोई भी रिएक्शन ना दें जिससे कि किसी भी जनपद में कोई शांति व्यवस्था प्रभावित ना हो। और सभी जनपदों में जिलाधिकारी SSP स्तर पर बैठक की जा रही है। सभी जगह बहुत अच्छा इसमें माहौल है, सभी जगह सभी समुदाय के लोगों द्वारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। सबके द्वारा आश्वस्त भी किया गया हम लोगों को कि पूरे मंडल में शांति व्यवस्था जिस तरीके से वर्तमान में कायम है कायम रहेगी। मेरे IG द्वारा भी सभी जनपदों में जाकर इसकी समीक्षा की जा रही है और हम लोग जो जनपदों में तैयारी उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और जो नागरिकों से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्स से भी हम लोग संतुष्ट हैं कि पूरा सहयोग सभी लोगों का मिलेगा और पूरे मंडल में शांति व्यवस्था बिल्कुल सामान्य रहेगी और बरकरार रहेगी। क्या मैडम सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव स्थान चिन्हित किए गए हैं, तहसील चिन्हित की गई है? जी जी, इसमें जो हम लोगों की जो पूरी ड्रिल है एक्सरसाइज है उसके तहत सभी जिलों में SSP DM द्वारा अपनी पूरी टीम के द्वारा सेंसिटिव लोकेशन आइडेंटिफाई किए गए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी बड़ा कोई इस तरीके से कोई भी ऐसी एक्टिविटी संभावित होती, चाहे वो इलेक्शन है, त्यौहार है या ये जजमेंट आने वाला है, उसमें ये एक प्रक्रिया के तहत सेंसिटिव लोकेशंस जो ट्रबल मेकर्स व्यक्ति हैं इन सबको चिन्हांकन किया गया है और उसके उसी आवश्यकता अनुसार सबको हैंडल करने के लिए कार्ययोजना ही बनाई गई है और आवश्यकता अनुसार जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी शांति व्यवस्था कायम करने में बरकरार करने में वो सारे कदम उठाए जाए। पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा बहुत ही व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, निरंतर संवाद सभी से स्थापित किया गया है और हर तरह से एक इंटेलिजेंस कनेक्शन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है आप लोगों के माध्यम से है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा रही है। उस इंटेलिजेंस के बेसिस पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट और ऐसे तमाम व्यक्ति जो इस दौरान कोई गड़बड़ी फैला सकते हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का पूरी तैयारी कर ली गई है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया है। ड्रोन के माध्यम से छतों पे निगाह रखी जा रही है, ऐसे ऐसे स्थानों पर निगाह रखी जा रही है कि जहाँ से किसी प्रकार की कोई अगर गड़बड़ी की आशंका होती है तो उसको हम पहले से ही वहाँ से रिमूव कर सकें। इसके अलावा बहुत स्पेशलाइज्ड फोर्सेस भी हमने लगाए हैं, ETS को भी लगाया है और शीघ्र ही इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी जगह जगह डिप्लॉय किया जाएगा। सर सोशल मीडिया पर किस तरह की नज़र रखी जाएगी? बोल दें सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग जो है वो स्थानीय स्तर पे भी की जा रही है और रेंज स्तर से भी की जा रही है और अगर उस छोटे से छोटा डेवलपमेंट जो है उसको चेक किया जा रहा है। IG आलोक सिंह ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखें, खास तौर पर सोशल मीडिया पर अयोध्या से जुड़ा पोस्ट न डालें, ऐसा करने वालों के साथ पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ड्रोन वगैरह से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। इस दौरान दोनों पक्षों ने कमिश्नर और IG को सहयोग का भरोसा दिलाया और दोनों पक्षों ने एक राय होकर अफसरों को आश्वस्त किया कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत हर हालत में करेंगे। लोगों ने अफसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का भरोसा दिलाया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।